अडानी तो दूसरे नंबर का अमीर हो जा रहा है। आपको पता है कितना कर्जा दिया अडानी को? जो पैसा उनसे उन्होंने लूटा है बैंकों में जमा पैसा, 20,000 करोड़ लूट के बैठा हुआ है नीरव मोदी, 9,000 करोड़ लूट के बैठा हुआ है विजय माल्या। वो तो अभी कहावत चल रही है, दो कांग्रेस के विधायक आपस में बात कर रहे थे कि ईडी सीबीआई छोड़ा तो ठीक है, चीता छोड़ दिया तो क्या होगा। बुढ़ापे में कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ा सहारा होता है पेंशन। मेरा तो एक ही सवाल है, 40 दिन एमएलए हो जाइए पूरे जीवन भर पेंशन, 40 दिन एमपी हो जाइए पूरे जीवन भर पेंशन, राज्यपाल हो जाइए पूरे जीवन भर पेंशन, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति हो जाइए पूरे जीवन भर पेंशन। तो आप मुझे बताइए, जो 40 साल तक अपनी सेवाएं देता है, कर्मचारी है, उसको पेंशन क्यों नहीं मिलनी चाहिए? इसलिए हम इनकी लड़ाई में इनके साथ हैं। और हमारी दोनों सरकारों ने, दिल्ली सरकार ने भी और पंजाब के भी सरकार ने, इनके मुद्दे का समर्थन भी किया है। हमने तो विधानसभा में इसका प्रस्ताव भी पारित किया। लेकिन सरकार कह रही है उनके पास पैसा नहीं है इनको देने का। तो पैसा गया कहाँ? अडानी तो दूसरे नंबर का अमीर हो जा रहा है। आपको पता है कितना कर्जा दिया अडानी को? 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है एक आदमी के ऊपर, बैंकों का कर्जा। 6.5 लाख करोड़ रुपए की हिंदुस्तान की संपत्तियां बेच रही सरकार, रेल बेच रहे हैं, सेल बेच रहे हैं, कोल इंडिया बेच रहे हैं, बीपीसीएल बेच रहे हैं, एलआईसी बेच रहे हैं, एफसीआई बेच रहे हैं। पैसा कहां जा रहा है देश के लोगों का? चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के काम में लगी हुई है सरकार। आप उनसे पैसा लीजिए हमारा, जो पैसा उनसे उन्होंने लूटा है बैंकों में जमा पैसा, 20,000 करोड़ लूट के बैठा हुआ है नीरव मोदी, 9,000 करोड़ लूट के बैठा हुआ है विजय माल्या, 3,000 करोड़ लूट के बैठा हुआ ललित मोदी, लाखों करोड़ लूट के चंद पूंजीपति बैठे हैं, उनसे पैसा लीजिए, इनका पेंशन बहाल कीजिए। क्या प्रॉब्लम है आपको? आप देश को लुटवाएंगे और सोचेंगे कि हम कर्मचारियों का हक मारेंगे, उनकी पेंशन मारेंगे, ये तो ठीक बात नहीं। देखिए, ऐसा है कि गुजरात चुनाव में बहुत सारे मुद्दे हैं, उनमें से एक मुद्दा ये भी है, और ये जो भी एम्प्लॉयज हैं उनकी जिंदगी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो निश्चित रूप से इसको उठाएंगे। क्या बोला गया था? उन्होंने कहा था कि मैं उनके उनको उनको उनकी टाइटल बदल दी। आप बताइए, क्या आपकी टाइटल बदलने का अधिकार हमको है? सिसोदिया को कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? अनुराग ठाकुर जी। तो उससे संदर्भ भी बात थी, उन्होंने कोई जातिवाद की बात नहीं। घाटे में तो इनकी सरकार भी जा रही है, क्यों बैठे हुए हैं? इनको भी हटना चाहिए, घाटे में तो वो भी जा रहे हैं। आप मुझे बताइए, घाटे में क्या जा रहा है? बीपीसीएल घाटे में जा रहा है, एलआईसी घाटे में जा रहा है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को महारत्ना में शामिल किया था मोदी जी ने, उसी अपने महारत्ना को ही बेच रहे हैं। तो ये सब एक दुष्प्रचार है इतने साल तक। अच्छा, आप बेटा मुझे बताओ, हिंदुस्तान का एक व्यापारी पकड़ के लाओ जो घाटे का सामान खरीदता हो। घाटे का सामान खरीद रहे हैं लोग, लेकिन कह तो रहे घाटे में जा रहे हैं, घाटे कंपनी खरीद रहे हैं लोग, कहने से कुछ नहीं होता। लेकिन देश में एनपीएस को लेकर मुद्दे पे बात नहीं होती, लेकिन देश में शेर चीता लाया इस पे डेली बात हो रही है। वो तो अभी कहावत चल रही है, दो कांग्रेस के विधायक आपस में बात कर रहे थे कि ईडी सीबीआई छोड़ा तो ठीक है, चीता छोड़ दिया तो क्या होगा। तो ये थे संजय सिंह, और संजय सिंह से हमने बात की कि किस तरीके से देश में ऐसी नीतियां ला करके प्रधानमंत्री जी लगातार देश की जनता को परेशान करने का काम कर रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, संजय सिंह जी ने कहा कि कैसे शेर चीता लेकर आ रहा है उस पर ही डिबेट हो रही है, लेकिन जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो लोगों के मुद्दे हैं, जो आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, वो कहीं ना कहीं गुम कर दिए जाते हैं। तो उसी पर संजय सिंह जी ने एक दहाड़ मारी है यहाँ पर, आज इन आम जनता के बीच में आकर उन्होंने जो भाषण दिया वो आपने सुना कि किस तरीके से, अभी उनसे क्वेश्चन भी किया गया कि किस तरीके की नीतियाँ लाकर प्रधानमंत्री जी आम जनता के ऊपर थोप रहे हैं, लेकिन आम जनता को जो है ये नीतियां रास नहीं आ रही हैं। तो उसी के साथ देख रही है जनता आवाज, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, जंतर मंतर, दिल्ली।